हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका डिटेल में इंट्रोडक्शन कराया था कि किस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आपको सारी एक्सरसाइज बहुत आसान लगने लगेंगे, क्योंकि आपको एक पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ आपको कैसे कैसे पढ़नी है। वो सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा लेटेस्ट एडिशन है एनसीईआरटी का, ध्यान रखना ये हमारा लेटेस्ट वाला है। अगर आप पुराने बुक से पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे दिख सकते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। इसमें बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अपने को चेक करना है। और कैसे चेक किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये सब तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया था। फिलहाल हम लोग इनको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये है या नहीं है, और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर x प्लस वन का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करो कि तुम देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो और इधर जाकर के मल्टीप्लाई कर दो और फिर चीज़ों को हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखो आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है फिर प्लस में 2ab होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई x और 1 से होगा तो 2x ही आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने कर दिया नॉर्मली। उस बाद इक्वल के उस साइड में 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 2 का माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आ जाएगा। अब सारे चीज़ों को आप क्या करो, लेफ्ट में ले जाओ, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इक्वल के उस साइड में 0 रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 1 का 1 रहने देते हैं, ये जो माइनस 6 है इधर का आकर के प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे पास जो प्लस का 2x है उसको एज इट इज़ उतार दो और ये जो प्लस का 2x था इधर आकर के माइनस का 2x हो जाएगा और इक्वल के राइट में हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब तो इधर ले आया है, तो उधर आपको 0 लिखना है। यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 7 और ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया, इक्वल के साइड में 0 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास बी एक्स और प्लस में सी इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैच कर रहा है, क्योंकि आप देखो मैंने आपको पिछले बार ही बताया था कि कभी भी आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने, मैं इंट्रोडक्शन में इस चीज़ आपको समझाया था कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया हो और वहाँ पर अगर चेक करना है तो आप सिंपल इसको क्या कर सकते हो, देखो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर है यानी कि 1x स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ, प्लस में आप बोलोगे सर x के साथ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर बी एक्स तो है नहीं है हमारे पास, वो तो कट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने इसको आपको बताया था कि आप इसको 0x इस तरीके से लिख सकते हो, समझ में आया, 0 का x मल्टीप्लाई करके 0x लिख सकते हो, यानी कि इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो और फिर प्लस में 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा x का स्क्वायर आना चाहिए, अगर x का स्क्वायर नहीं आ रहा है तब फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, समझ में आया बबुआ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए केवल आपको बस ध्यान रखना है कि कोई भी वेरिएबल जो दिया है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। सो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में यस लिख देता हूँ, बाकी आप लोग डिटेल में जानते हो कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, अब चलते हैं सेकंड पार्ट के पास। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर तो लेफ्ट में हमारे पास सॉल्व है, कुछ चीज़ यहाँ पर करने के लिए नहीं दिख रहा, लेकिन राइट में कुछ मल्टीप्लाई वगैरह दिख रहे हैं, उधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x इक्वल को सेट में माइनस का 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आएगा, और माइनस 2 का जब माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। चीज़ों को इस सेट ले आओ, तो यहाँ पर हो गया ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x, ये प्लस वाला 2x इधर आकर के ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस वाला जो 6 है इधर आकर के प्लस वाला 6 हो जाएगा और इक्वल के राइट में केवल 0 रह जाएगा। तो अब यहाँ पर तो कट नहीं हो रहा, लेकिन ये x का स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 6 इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स ये भी क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि तो सिंपल दिख ही रहा है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। बोलोगे सर ये प्लस तो नहीं है, माइनस में 4x होता, प्लस बी एक्स ऐसे बोल दिए, तो देखो इसका भी रीजन है, मैंने आपको ये भी इंट्रोडक्शन बताया था कि आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, आप इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हो या फिर 1x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्लस के साइन लगा करके माइनस का 4x लिख दो ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में हमारा बी एक्स हो जाएगा, बी के बदले में माइनस 4 है और एक्स तो है हमारे पास, तो हम लोग अगर माइनस में आ भी रहे हैं तो हम लोग प्लस के साइन के साथ लिख सकते हैं, फिर प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, केवल आपको वहाँ पर बता देना है कि हमारी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि मैथ के लैंग्वेज में डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो ऐसे कि डिटेल में अगर एक बार मैं लिख दूँ, चलो लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग जब अपने नोट्स में बनाओ या जब मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँ अपने टेलीग्राम के थ्रू तो आप लोग को फिर ईजी पड़े। तो इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारी डिग्री है इस वाले को इक्वेशन के लिए, डिग्री का मतलब क्या होता है कि पूरे इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, ये चीज मैंने आपको क्लास 9th में सिखाया था। तो यहां पर अगर आप डिग्री देखोगे तो डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है, बस ये ध्यान रखना। तो डिग्री अगर 2 निकल करके आ रही है इसका मतलब कि ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर डिग्री 2 नहीं निकल करके आ हुआ तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है यहां पर।
थर्ड पार्ट को चलिए ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी दोनों साइड इक्वेशन से पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो वन एक्स आएगा, जिसको मैं शॉर्टकट में एक्स लिख देता हूँ। माइनस टू का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स, माइनस टू का वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। इस साइड में भी हमारा ये एक्स का स्क्वायर हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये थ्री एक्स आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आ गया, और माइनस वन का प्लस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस थ्री बना लेगा। अब चीज़ों को ट्रांसफर कर लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व भी कर दो यहाँ पर। तो पहले ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स, टू एक्स में से वन एक्स माइनस होगा तो वन एक्स आ जाएगा, और ये माइनस की साइन लगेगी। क्यों माइनस की लगेगी भैया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बड़े नंबर में माइनस की साइन है। फिर ये माइनस का जो टू है उसको उतार दिया हमने, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को भी सॉल्व कर लेता हूँ, तो इधर देखो सॉल्व करूंगा तो प्लस का टू एक्स होगा, है ना, थ्री एक्स में से वन एक्स माइनस होगा तो टू एक्स आएगा, लेकिन बड़े नंबर में साइन है प्लस का तो प्लस का टू एक्स आएगा। उसको जब मैं लेफ्ट में लेकर आऊंगा तो ये माइनस का टू एक्स हो जाएगा, और ये माइनस वाले थ्री को इधर लेकर आऊंगा तो प्लस वाला थ्री, इक्वल का राइट साइड में जीरो कर दो। अब देखो चीज़ें कुछ कट रही हैं क्या, तो ये देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहीं से समझ में आ गया मुझे कि ये तो भैया क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। आगे कुछ हो रहा है क्या, तो ये दोनों सॉल्व होकर के माइनस का थ्री एक्स बना लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये दोनों सॉल्व होकर के प्लस का वन बना लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और बड़े नंबर की साइन उतर जाएगी, इक्वल के साइड में जीरो आ गया। तो यहाँ पर देखो हमारा जो एक्स का हाईएस्ट पावर है वो कितना हो जा रहा है, वन हो जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, यानी कि इस बार जो डिग्री हमारी निकल कर क्या रही है भैया, वो वन निकल कर क्या रही है, इसीलिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट, चलिए बना लेते हैं इसे भी। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स आएगा, फिर टू एक्स का माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू थ्री जहाँ हमारा सिक्स हो जाएगा, और ये एक्स उतर जाएगा। माइनस थ्री का प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री आ गया, इधर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, इसके इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया फाइव एक्स। अब चीज़ों को ट्रांसफर कर लो, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये सॉल्व होकर के माइनस का फाइव एक्स बना लेगा, उसको रहने दो, फिर ये माइनस का थ्री को रहने दो, ये एक्स स्क्वायर इधर आकर के माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस वाला फाइव एक्स इधर आकर के माइनस का फाइव एक्स हो गया, इक्वल टू साइड में जीरो कर दो। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस होगा तो ये हमारा 1x स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस का 5x और माइनस 5x तो माइनस का 10x हो जाएंगे, और ये माइनस का 3 एज इट इज उतर जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो इस बार फिर देखो डिग्री जो हमारी वो कितनी निकल कर क्या रही है, हमारी 2 निकल कर क्या रही है, इसका मतलब कि ये भी क्या है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि सर हम लोग जैसे कि हमने जब वहाँ पर x वाला गायब था तो हमने उसको 0x लिख दिया था, तो वैसे ही क्या अगर x का स्क्वायर गायब है तो क्या हम उसको 0x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो तुम लोगों को जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था इंट्रोडक्शन में, तो वहां पर मैं बार बार इसको बोल रहा था कि a हमारा कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमको लिखने के लिए बोल रहा है कि भैया आप क्वाड्रेटिक में लिखिएगा कैसे ये बता दीजिए, तो आप उस समय पे 0x स्क्वायर लिख सकते हो कि अगर मेरे पास मान लो x स्क्वायर नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं था, तो उस कंडीशन में मैं वहां पर क्या कर सकता था, अगर मुझे ये बोलता कि आप लिखेंगे कैसे इसे क्वाड्रेटिक में, तब मैं इसको 0x स्क्वायर करके लिख के दिखा देता, ठीक है कि भैया इस तरीके से क्वाड्रेटिक लिखा जा सकता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो वहां पर वो नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं था, 0 था, इसका मतलब कि वो वैल्यू ही 0 है ना। तो x अगर हमारे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप 0x लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर डिग्री हमारी क्या होगी, 2 ही कहलाएगी, x स्क्वायर तो है ना भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x का स्क्वायर नहीं है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, तो आप उसको 0x स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि a कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता है। a मतलब जो शुरू में हमारा पार्ट होता है ना x स्क्वायर के साथ, उसको a बोलते हैं, ठीक। बाकी इसके अगर तुम लोग को नोट चाहिए होंगे ना, तो इसका नोट हो गया या फिर आर डी शर्मा का नोट हो गया, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल उसमें अवेलेबल करा रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको इसके सारे के सारे नोट्स जो है वो फ्री में मिलेंगे, अभी पीडीएफ के फॉर्म में। ये रहा फिफ्थ पार्ट, आइए इसे भी मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये बन गया आपका यहाँ से 2x स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x हो गया, इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 हो गया। इधर आपका मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 5x, और इसका मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 5 आ गया। अब अगर चीज़ों को मैं ट्रांसफर कर दूं, या फिर एक काम करता हूं डायरेक्ट ट्रांसफर ना करके, या फिर कर ही देता हूं यार हटाओ, मैं क्या करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि एक बार पहले सॉल्व करूँ इस स्टेप को, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आप तो क्लास 10th के बच्चे हो, यहाँ सॉल्व करूँगा अगले स्टेप में फिर ट्रांसफर करूँगा तो फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और एग्जाम में आपको भी वैसे नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो उसे टाइम वेस्ट होता है केवल। ये 2x स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का 7x लिखो, और ये प्लस का 3 लिखो, इधर से चीज़ों को सॉल्व करके इधर लेते आओ, ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, ये दोनों सॉल्व होंगे तो इधर हमारा प्लस का 4x बन जाएगा, और जब इसको इधर लेकर क्या होगा तो ये माइनस का 4x रहेगा। ऐसे डायरेक्ट करना है वो चीज़ों को, ये माइनस का 5 इधर आकर के प्लस का 5 हो गया, इक्वल टू साइड में जीरो कर दो। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 1x स्क्वायर है, तो ये बनेगा हमारा 1x स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस हो तो 1,
ये दोनों माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। ये दोनों प्लस प्लस हमारे आपस में प्लस हो जाएंगे और इक्वल टू साइड में जीरो हो गया। तो ये भी हमारा क्या बन गया, डिग्री यहाँ पर भी कितनी है, डी इक्वल टू डिग्री ना, डी का मतलब डिग्री होता है शॉर्टकट में। तो ये हो गया यहाँ से हमारा यस। ठीक है, यहाँ पर बस मतलब कि डी मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग एग्जाम में मत लिखना, बस उनको मैं समझाने के लिए शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, यस ना लिख करके डी इक्वल टू टू, इसलिए हमारा जो है ये यस है। ओके बच्चा लोग, तुम लोग एग्जाम में डी मत लिख देना, डी इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना उसका फॉर्मूला होता है क्वालिटी हमारे पास, तो इस वजह से हम लोग डी इक्वल टू कुछ भी नहीं लिखते, उसको डिग्री ही लिखते हैं। चलो ये हमारा फिफ्थ पार्ट होता है, चलो अगला पार्ट बनाते हैं। इस क्वेश्चन को तो देख करके बच्चा बोलेगा कि सर ये तो हमारा क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से ही दिख रहा है, लेकिन बबुआ थोड़ा सबर करो, अभी देखते हैं कि है कि नहीं, पहले कंप्लीट सॉल्व कर लो, डायरेक्ट नहीं लिखना है ना, एग्जाम में टाइम मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो प्लस में वन हो गया, इधर हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है जो कि होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होता है, तो टू का स्क्वायर डायरेक्ट में फोर लिख देता हूँ। और फिर हमारे पास माइनस में टू ए बी होता है, टू ए बी का मतलब टू का एक्स से और फिर टू से मल्टीप्लाई होगा, तो टू का जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो फोर बन जाएगा, और ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स में सुधर जाएगा। तो ये मैंने टू ए बी लिखा है डायरेक्ट के, यानी कि हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया डायरेक्ट, हमने माइनस का फोर एक्स डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो इसका अगर डिटेल में लिखते तो ये टू हो जाता है, फिर ए का जगह में एक्स लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई में बी के बदले में टू लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करके भी फोर एक्स ही आता है हमारे पास। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया। चीज़ों को ट्रांसफर करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 हो गया, ये इधर आकर के माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और ये इधर आकर के प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 बचेगा। चीज़ें आपस में देखो कट हो जा रही हैं, एक्स स्क्वायर से मेरा एक्स स्क्वायर कट हो जा रहा है, यहाँ पर 3x और 4x बन जाएगा 7x, ये दोनों सॉल्व होकर के माइनस का 3 हो गया, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो देखा आपने कि दिख रहा था कि एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्ट हमने ये सोचा कि भैया ये तो हमारा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन नहीं, हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं निकल करके आ रहा है, यानी कि जो हमारी डिग्री निकल करके आ रही है, डिग्री इक्वल टू 1 निकल करके आ रही है, इसीलिए बड़ा सा यहाँ पर नो लिख देता हूँ मैं कि भैया ये नहीं होगा हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो दो क्वेश्चन और बचे हैं चेक करने के, ये रहा सेवंथ क्वेश्चन जहाँ पर x प्लस टू का होल क्यूब दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर अपने को क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इधर तो नॉर्मल मल्टीप्लाई ही है। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूला आपका रिवीजन करा देता हूँ, आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है, फिर से याद कर लो। कभी भी अगर a प्लस बी का अगर होल क्यूब आता है तो उस कंडीशन में हमारा a का क्यूब हो जाता है प्लस में b का क्यूब हो जाता है प्लस में 3a स्क्वायर b और फिर प्लस में हमारा 3a फिर b स्क्वायर इस तरीके से, या फिर पहले अगर आप b स्क्वायर लिख देते हो गलती से तो फिर आगे में a भी लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पहले a लिखो और फिर b स्क्वायर लिखो। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है और हम इस वाले टर्म्स को क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास a का क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर 2b का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। फिर प्लस में 3a स्क्वायर b है, तो अब ये जो है ना नंबर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जा रहा है, अगर एक ही बार में मल्टीप्लाई करके मैं आंसर लिख दूंगा तो बच्चे लोग भी नहीं समझ पाएंगे और टीचर को भी मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 लिखते हैं, फिर a स्क्वायर के बदले में x का स्क्वायर लिख देते हैं और फिर मल्टीप्लाई में b भी है तो मल्टीप्लाई में 2 लिख देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद फिर प्लस के साइन के साथ 3ab स्क्वायर है तो 3 लिखो, फिर a के बदले में x लिखो और फिर b स्क्वायर है यानी कि इस बार 2 का स्क्वायर कर दो, इक्वल के उस साइड में। ठीक है, इक्वल का साइन मैं लगाता हूँ और नीचे में मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको क्योंकि बगल में जगह नहीं है मेरे पास। तो ये हो जाएगा 2x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का क्यूब निकल करके आ गया, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर 2x का माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब अगर सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके तो ये बन गया आपका x का क्यूब, फिर प्लस में हमारा 8 हो गया, फिर प्लस में आपके पास यहाँ 3 2 6 होगा और फिर x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 आपका 12 बन जाएगा, तो 12 हो गया और फिर ये x जो है वो एज़ इट इज़ उतर जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में हमारा 2x का क्यूब रहेगा और माइनस का 2x रहेगा। अब अपन चीज़ों को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये बन गया आपका x का क्यूब और प्लस माइनस तो कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल, तो सबको बस फटाफट उतार लो, ये हो गया ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये जब इधर आएगा तो माइनस का 2x का क्यूब हो जाएगा और इधर आकर के प्लस का 2x हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में केवल 0 बचेगा। अगर तुम देखो तो ये और ये सॉल्व तो हो रहे हैं, माइनस तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ पर 1 है तो मेरे पास 1x का क्यूब बच ही जाएगा और माइनस के साइन के साथ बचेगा क्योंकि बड़े बड़े माइनस के साइन है। उसके बाद अगर मैं एक्स स्क्वायर को देखूँ तो बस सिंगल ही एक्स स्क्वायर है, तो उसको वैजिटिज में उतार देता हूँ, उसको कुछ नहीं करेंगे। एक्स वाले हमारे पास 2 हैं, दोनों पॉजिटिव में है तो ऐड कर दो तो 14x बन जाएगा और प्लस का ये 8 हो गया, इक्वल को सेट में 0 आ गया। इट मीन्स कि इस बार हमारा जो डिग्री है वो कितना निकल करके आ जा रहा है, डिग्री इस बार हमारी माइनस वन बोल रहा है तो नंबर वहाँ पर डिग्री हमारी जो है वो 3 निकल करके आ रही है। वेरिएबल का जो हाइएस्ट पावर कितना हो जा रहा है, इस बार 3 हो जा रहा है, तो 3 वाला भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं कहलाता है, 3 वाले को अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ पर तो इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। ये क्वाड्रेटिक के लिए केवल हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन उसे बनाते हैं।
देखो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है ना, इसमें फिर से x माइनस टू का होल क्यूब दे दिया है, बाकी इधर तो क्यूब वाला है ही हमारे पास, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। मैं माइनस वाली फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, पहले एज इट इज इसको उतार लेते हैं क्योंकि इधर तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इक्वल को साइड में सॉल्व करने से पहले एक बार पहले आप लोग फॉर्मूला देख लो कि फॉर्मूला क्या होता है। तो कभी भी अगर हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब रहे तो उस कंडीशन में a का क्यूब तो होगा ही, माइनस की साइन आ गई इसलिए माइनस में b का क्यूब होगा, फिर हमारे पास फिर माइनस की साइन के साथ 3a स्क्वायर और b होगा। बट एक गलती जो बच्चे लोग कर देते हैं, लास्ट में फिर माइनस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस होगा और 3ab स्क्वायर हो जाता है। पिछले बार क्या था, जब प्लस था तो सभी में प्लस था, इस बार आपका इसमें और इसमें माइनस होगा, लास्ट वाली में प्लस हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला याद रखना, इसको अप्लाई कर दो। तो a का क्यूब करना है तो ये हो गया x का क्यूब, फिर माइनस में बी का क्यूब करना है तो 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा, फिर माइनस में 3 ए स्क्वायर, ठीक है, या फिर पिछली बार तो मल्टीप्लाई किया हूँ यार, चलो चलो कोई बात नहीं कर ही देता हूँ, ए स्क्वायर और फिर बी हो गया, और फिर प्लस के साइन के साथ हमारा वही चीज़ है पिछले बार जो था, बस हमारे पास इस बार माइनस के साइन के साथ है, तो ये जाएगा 3, फिर ए के बदले में x और फिर बी के स्क्वायर के बदले में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पर बगल में नहीं बनाता हूँ, नीचे बना देता हूँ, इसके बहुत जगह अपने पास। तो ये बन जाएगा आपके यहाँ से x का क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। वैसे मैं कट कर सकता था डायरेक्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आपको स्टेप समझा दूँ। x का क्यूब ये रहेगा ही, माइनस के 8 रहेगा ही, ये जब सॉल्व होगा तो हमारे पास माइनस के साइन के साथ 3 2 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये लो हमारा प्लस के साइन के साथ ही रहेगा वही 2 2 4 और 4 3 12 एक्स। अब चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे अपन, या फिर एक काम करूँ डायरेक्ट उड़ा दूँ क्या, ऐसे तुम लोग भी कर सकते हो। देखो समझा दे रहा हूँ, ये जो एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब दोनों आपस में पॉजिटिव है ना, इसको डायरेक्ट ऐसे उड़ा सकते हो। तुम क्यों उड़ा सकते हो, क्योंकि जानते हो ना कि जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर जाकर जब माइनस में होगा तो लास्ट में कट हो ही जाना है, इससे अच्छा कि डायरेक्ट उड़ा दो। तो ऐसे कर सकते हो तुम लोग, और कुछ तो डायरेक्ट कट हो नहीं रहा, तब चीज़ों को मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ। ये जाएगा आपका माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास माइनस में माइनस का जो था वो इधर आकर प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x यहाँ पर है इसको इधर ले आता हूँ, लाइन से पहले लिख दिया मैंने, माइनस का 12x हो जाएगा, फिर प्लस का 1 है, इक्वल को साइड में 0 है। इन दोनों को सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगेगी। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेडीज़ बार बड़े नंबर में प्लस की साइन सॉरी माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगेगी, और ये प्लस का हमारे पास 1 इक्वल टू साइड में 0 आ गया। और यहाँ पर भी हमारी जो डिग्री है वो कितनी हो जा रही है, इस बार भी हमारी डिग्री जो है वो हो जा रही है 2, इसलिए ये भी क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाए। लेकिन एक सेकंड यार, मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया, ये माइनस के 8 को मैं तो इधर लाने ही भूल जा रहा हूँ, बेचारा ये छूट जा रहा है, तो माइनस वाले 8 इधर आकर के प्लस के 8 होगा। सो यहाँ पर हमारे पास प्लस के साथ 8 प्लस 1 है, देखो यहाँ पर प्लस मैंने लिखा भी था, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 अच्छा कितना लिखा तो फिर गड़बड़ करता हो जाता। तो इट मीन्स कि हमारे पास उससे कुछ ज़्यादा आंसर में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन टीचर उसके लिए नंबर कट कर सकते, तो बोर्ड्स में चीज़ ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये हाइट पावर 2, इसीलिए इसकी जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी ये वाली भी इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, जहाँ पर हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ये समझते उनको क्या करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वैसे तो यहाँ पर हमसे केवल ये बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे पेज में दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को केवल फिलहाल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो यहाँ पर जैसे दिया हुआ था उस फॉर्म में लेकर के आना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आप लोग अभी फिलहाल वही काम करो जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन जब मैं आपको 4.2 पढ़ा दूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है जब मैं ये आपको सिखा दूँ ना, तो उसके बाद दोबारा से पीछे आना और प्रैक्टिस के लिए तुम इन क्वेश्चंस को जरूर बना करके देखना। अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, लेकिन बाद में आप लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करके जरूर बनाना, ठीक है, और मुझे अपना आंसर जो है वो कमेंट करके बताना कि सर हमारा आंसर इतना आ रहा है, फिर अपन चेक करेंगे। अगर मैं लोग में कमेंट में रिप्लाई देना नहीं दे पा रहा हूँ बिजी होने की वजह से, तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पर तो मैं एक्टिव रहता ही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर का स्क्वायर। एरिया जो है एक प्लॉट का दिया हुआ है, प्लॉट किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। बेसिक चीज़ यहाँ पर से क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ है वो मीटर्स में हमारे पास, इसीलिए तो भैया एरिया मीटर के स्क्वायर में आया है ना, ये चीज़ नहीं लिखने की जरूरत थी। चलो आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, यानी कि जितना भी ब्रेथ होगा उसका डबल कर दो, ट्वाइस कर दो, और उसमें वन और बढ़ा दो तो आपका लेंथ निकल करके आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो ब्रेथ है अगर वो 5 मीटर है मान लो, तो जो लेंथ होगा वो 5 का डबल करोगे ट्वाइस करोगे तो 10 आएगा, और उसमें 1 प्लस करोगे तो 11 आएगा। इट मीन्स जो लेंथ होगा वो 11 होगा। इस टाइप से हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हमको बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है
इसलिए आप क्या करोगे, इसके इक्वेशन बनाओगे, लेकिन यहाँ पर फाइंड नहीं करना है, बस बोल रहे हैं कि हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है भैया। तो बताइए कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, केवल यहाँ पर इक्वेशन ही बनाना है, क्योंकि देखो साफ साफ बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, और अगले जो एक्सरसाइजेस है वहाँ पर जब ये वर्ड प्रॉब्लम देगा ना तब तुमको सॉल्व भी करना है। समझ में आ गया बबुआ लोग? तो चलो अभी इसको अपन सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका इक्वेशन बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि हम लोग यहाँ पर लेंथ को x माने या ब्रेथ को x माने, हमसे ये बोला गया है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी वन ज़्यादा है। तो भैया अगर मैं लेंथ को ही x मान लूँगा तो फिर ब्रेथ को फिर मैं क्या मानूंगा, इसीलिए तुम क्या करोगे कि पहले ब्रेथ को x मानोगे, या फिर आप कुछ और भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं x y z मान रहा हूँ तो आप भी वही मानो, आप कुछ भी और दूसरा चीज़ भी लिख सकते हो, लेकिन हमारी आदत हो गई है बना बना करके x मान करके, तो आप लोग भी ऐसे ही करो, लेट द ब्रेथ बी x मीटर, मान लेते हैं जो ब्रेथ है वो हमारा क्या है x मीटर है। ओके अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा लेंथ निकल करके आएगा, जो कि हमको यहाँ पर इसी को लेंथ के बारे में घुमा करके दिया हुआ है। देखो लेंथ के में हमको क्या बोला गया था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, पहले तो ट्वाइस कर दो तो 2x हो जाएगा, और उससे भी 1 ज़्यादा है, क्योंकि देखो फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन किससे वन ज़्यादा है भैया, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का ट्वाइस करोगे तो उससे वन ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपका लेंथ, सॉरी ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ बनेगा। अब आ जाओ आप लोग एरिया के पास, हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया कितना दिया हुआ है 528 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके। लेंथ को हमने देख लिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 2x प्लस 1 हो गया है, और ब्रेथ को तो हमने x खुद से माना था, तो इक्वल के उस साइड में हो जाएगा आपका 528। ये मैंने लेंथ लिखा और मल्टीप्लाई में ब्रेथ लिख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो x का 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर आ गया, फिर इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बन जाए x आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 528 है, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस में x, और माइनस का ये हो जाएगा 528, और यही हो गया आपका फाइनल का आंसर। और कुछ थोड़ी करना है इसमें, बाकी जब आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाओ, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आगे की एक्सरसाइज में, तब वापस आकर के इस वाले इक्वेशन को जरूर सॉल्व करना है, साले को छोड़ना मत। अच्छा एक चीज़ छोड़िए दे रहा हूँ, मैं ही खुद छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ इक्वल के साइड में जीरो जरूर लिखना, नहीं तो वो इक्वेशन कहलाएगी नहीं, वो तो फिर पॉलीनोमियल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल के साइड में कुछ बचा ही नहीं, तो इक्वल के साइड में जीरो कर दो तभी फिर ये इक्वेशन बनेगा। तो ये बन गया आपका पहला पार्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मेन ये समझना, अगर ये बना लेगा कोई बच्चा ना तो आगे वो बहुत ही आराम से बना लेगा। और अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आप बनाने मैथ सीख जा रहे हो, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसमें बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी कि जो प्रोडक्ट है दो कंसेक्यूटिव आने वाले पॉजिटिव नंबर्स का, इंटीजर मतलब नॉर्मल नंबर समझ लो तुम, कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनको वो कंटिन्यू आने वाले हैं, जैसे अगर एक 5 है तो दूसरा 6 होगा, अगर एक 6 है तो दूसरा 7 होगा, ऐसे वाले नंबर्स हैं, और उनका प्रोडक्ट करने पर 306 मिल रहा है। हमको क्या फाइंड करना है भैया, वो इंटीजर फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर फिलहाल इक्वेशन बनाना है, और ऐसा इक्वेशन बनाना है कि जिससे हम इंटीजर को फाइंड कर सके। चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करो, दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, पहले वाले को x मान लो, और दूसरा वाला कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव मतलब कि जस्ट अगला नंबर, तो जस्ट अगला नंबर क्या होगा, अगर पहला वाला हमारा x है तो उसके बाद कौन सा होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। जैसे कि अगर पहला वाला अगर 6 है तो अगला वाला 7 आता है ना, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। बस उसी तरीके से लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, मान लेते हैं जो हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, यहाँ पर एक्स है। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा वाला, फिर यहाँ पर इंटीजर को शॉर्टकट में नहीं लिखता हूँ यार, नहीं बच्चे लोग इसको इन लिख के छोड़ देंगे, मैं इंटीजर ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नोट्स भी तो देना है ना आप लोगों को टेलीग्राम पे, तो ये इंटीजर है यहाँ पर। तो पहला वाला पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारा एक्स है, जब मैं पहले नोट्स नहीं देता था ना बच्चों को, मैं बहुत शॉर्टकट मारता था, लेकिन जब से मैं नोट्स देने लगा हूँ तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वीडियो देखे बिना जाकर के नोट्स से छापना शुरू कर देंगे, तो वो इंटीजर को इन लिख देंगे, तो इसीलिए मैं लिख दिया पूरा पूरा, मान लो पहला वाला एक्स है, सो जो सेकेंड है ना, सेकेंड वाला कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा, अगला वाला जो हमारा कंसेक्यूटिव इंटीजर विल बी, वो क्या हो जाएगा भैया, वो ऑटोमेटिकली हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। पहले लोग अगर x है तो अगला वाला बस प्लस 1 हो जाता है, और कुछ तो होता ही नहीं अगले नंबर के लिए। अब यहाँ पर से आपका बना दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक इक्वेशन प्यारा सा, हमसे बोला गया है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का जो क्या है प्रोडक्ट है, यानी कि x का
x प्लस वन से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना निकल कर क्या रहा है, 306 निकल कर क्या रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x से वन से मल्टीप्लाई होगा तो 1x इक्वल टू साइड में 306, ट्रांसफर करोगे चीज़ों को तो x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 306 इक्वल टू साइड में 0। ये बन गया आपका सेकंड क्वेश्चन ही बहुत ही आसानी से। तो ये इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, पिछले से ज़्यादा इजी तो आपका सेकंड वाला पार्ट दिया था। थर्ड पार्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमारा एज से रिलेटेड है। बच्चे लोग एज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले इक्वेशन ही नहीं बना पाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अगर तुम यहाँ पर इक्वेशन सीख जाओगे बनाने तो क्वेश्चन आराम से बना लोगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो 26 ईयर ज़्यादा है रोहन से, उनका जो उम्र है ठीक है, मान लो रोहन का उम्र अगर 4 साल होगा तो मम्मी का उम्र 26 प्लस 4 कर दो 30 ईयर निकल कर क्या जाएगा, ऐसा कुछ हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ये ईयर फियर जो लिखा है ना इसको भूल जाओ, क्योंकि भैया जो उम्र है तो ईयर में लिखेगा ना, ये सारा लिखा हुआ रहता है उसकी वजह से फ्लो बिगड़ जाता है बच्चों का और उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको तुम ध्यान से समझो, इसमें बोल रहा है सिंपल कि प्रोडक्ट करना है उनके एज का आज से 3 साल बाद, और जब प्रोडक्ट करोगे आज से 3 साल बाद तो कितना निकल करके आएगा, वो 360 निकल करके आएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। तो बताओ कि हम लोग अगर रोहन का परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, रोहन के परसेंटेज को x मान लो ठीक है। देखो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे अपन, थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ मैं पहले पेज पे, दिख रहा है क्लियरली। देखो लेट परसेंटेज प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, उसको ले लेते हैं अपन x ईयर्स ठीक है, बी एक्स ईयर्स जो लिखना चाहो लिख सकते हो आप लोग। तो भैया अगर रोहन का एक्स ईयर है तो उसकी जो मम्मी का परसेंटेज होगा, प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, मान लेते हैं उनकी जो माता श्री है ठीक है, संतूर वाली जो मम्मी है क्यूट सी, उनका उम्र हो जाएगा एक्स प्लस में 26, क्योंकि हमसे साफ से बोला गया है कि रोहन से 26 साल ज़्यादा उनका उम्र है, तो रोहन का जितना भी होगा उसमें 26 प्लस कर दो। और ये भी क्या में होगा, ये भी ईयर्स में ही होगा, ये बस ध्यान रखना कि लास्ट में ईयर जरूर लिखना। अब आ जाओ 3 साल बाद के पास, ये तो ही प्रेजेंट ईयर था ना, प्रेजेंट एज था। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 साल बाद अगर चले जाओगे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। एज वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हम लोग को दोबारा से इक्वेशन बनाना पड़ता है, जैसे हम लोग ये चीज़ बनाते हैं ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन में इसके बनाने के बाद डायरेक्ट हमारा इक्वेशन बन जाता है, लेकिन एज वाले में ऐसा नहीं होता। एज वाले में पहले ये प्रेजेंट एज लेते हैं, फिर अगर 3 साल बाद का दिया है या 3 साल पहले का कुछ भी दिया हुआ है तो उसके लिए फिर अलग से हमारा एक्स वाई जेड होता है और फिर जाकर के इक्वेशन बनता है ओके। तो एज वाले में बस ये गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत है। 3 साल के बाद तुम मुझे ये बताओ कि रोहन का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो रोहन का जो एज है वो कितना हो जाएगा, अभी अगर एक्स ईयर हो रहा है, एक्स मतलब कि कुछ भी हो रहा हो, मान लो 10 ईयर्स हो रहा हो, तो 3 साल बाद उसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और वो 13 कैसे निकलेगा, 10 में प्लस 3 करने से निकलता है। तो वैसे ही अभी जो भी उम्र हो रहा है रोहन का उसमें केवल 3 प्लस कर दो, तो एक्स प्लस 3 जो होगा वो रोहन का उम्र हो जाएगा। और उसकी जो माता श्री हैं उनका उम्र कितना हो जाएगा, मदर्स एज, वो हो जाएगा अभी अगर x प्लस में 26 है तो उस 26 में प्लस 3 और कर दो, जितना अभी है बस उसमें 3 प्लस कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से सॉल्व भी करके दिखाई देता हूँ, ये हो जाएगा आपका x प्लस में 29 ईयर्स ठीक है। समझ में आ गया ये वाला, ये नया चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये वाला और ये पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो 3 साल बाद रोहन का x प्लस 3 हो गया और उसी मम्मी का x प्लस 29 हो गया है ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, अब यहाँ से आपका इक्वेशन बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये बोला गया था कि रोहन के मम्मी और उसका जो एज है 3 साल बाद कितना है भैया, उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं ना, प्रोडक्ट बोला था तो 360 होगा। तो 3 साल बाद का जो रोहन का उम्र है यानी कि x प्लस जो 3 है उससे अगर उसकी मम्मी के 3 साल बाद वाला यानी कि x प्लस 29 से अगर प्रोडक्ट करते हो तो वो 360 निकल करके आता है, ऐसा अपने को क्वेश्चन में बोला गया था ठीक है। क्वेश्चन में समझ में आ गया, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व कर दो, x से x से मल्टीप्लाई हो तो x का स्क्वायर आ गया, इसका x से मल्टीप्लाई होगा तो 29x हो जाएगा, फिर 3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, फिर 3 का 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 33 जो 90 होता है तो 29 3 जो है यानी कि 3 कम करो तो 90 से तो 87 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 87 इक्वल टू साइड में हमारे पास 360 आ गया। अब यहाँ से अपन 360 को ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये बन गया आपका x का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस में 32x आ जाएगा, प्लस में 87 तो है ही, फिर माइनस में 360 इक्वल टू साइड में 0 हो गया, इट मीन्स x का स्क्वायर होगा 32 तो सिंपल रहेगा ही। इन दोनों को सॉल्व करोगे 10 में से 7 माइनस हो, पहले तो माइनस की साइन है बड़े नंबर में तो माइनस साइन लगा लो, 10 में 7 माइनस हो तो हमारा 3 आ गया, यहाँ पर बचेगा 5 में से मैं 8 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करके 15 मान लेगा, 15 में से 8 माइनस होगा तो 7, अब यहाँ पर बोरो देने के बाद 2 बचा हुआ है तो वो 2 को उतार दो, इक्वल टू साइड में 0 कर दो। ये बन गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास रहेगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाकर हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो देखा आपने, मैंने जैसे बताया कि एज वाला जो
होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, हल्का सा, बस इसमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, मुश्किल नहीं बोलेंगे इसको, बस एक्स्ट्रा काम बोलेंगे, बाकी क्योंकि तुम लोग समझ ही गए हो कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद चीज़ें मुश्किल नहीं लगती, आसानी लगती हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है प्यारे बच्चों, उसको जल्दी से करा देता हूँ, और अगर अभी तक भी शेयर नहीं किए हो ना तो बेटा फटाफट शेयर कर दो, नहीं तो मम्मी मम्मी का कसम देना पड़ेगा मेरे को, दोनों बहुत कंजूसी करते हो आजकल शेयर करने में। जो लास्ट क्वेश्चन है बबुआ लोग, इसको भी बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नए चीज़ें दी हुई हैं जो आपको काम आएंगी, जो पहले आपने नहीं पढ़ा, जैसे ये सब आपने पहले कर रखा था इसलिए आसान लगा था ना, कुछ कुछ नए चीज़ें हैं थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन को ध्यान समझो, बोल रहे हमसे कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रहा है अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वो 480 किलोमीटर का सफर तय करने वाला है। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ तक पहुँचना है उसको, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है, और वो किसी भी स्पीड से चल रहा है, हमको नहीं पता भैया किस स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि नॉर्मल कोई भी स्पीड है उसका, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि भैया अगर ड्राइवर बाबू जो है वो सो जाए या फिर थोड़ा सा आराम करने लगे और स्पीड को थोड़ा कम कर दें, 8 किलोमीटर आवर कर दें, यानी सॉरी 8 किलोमीटर आवर कम कर दें, जैसे मान लो अगर पहले 100 था तो 100 से 8 को माइनस कर दो तो बचेगा 92, तो अब अगर वो 92 के हिसाब से अगर गाड़ी चला रहे हैं तो भैया पहले जितना भी समय लग रहा था ना उससे अब क्या लगेगा, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, जैसा कि हमेशा होता ही हम लोग के साथ ट्रेन में, हमेशा लेट होता है ट्रेन में, तो आज तक कभी भी ट्रेन में समय पहुंचा ही नहीं हूं। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो बताइए ट्रेन का स्पीड अगर अपने को निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, तो बहुत ही आसान है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, आपको मैं समझा देता हूँ, तो सब पानी पी करके चलिए जल्दी से कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो सबसे पहले तो हमसे क्वेश्चन ने बोला क्या है, हमसे बोल रहा है कि बताइए स्पीड क्या है ट्रेन का, तो हम लोग मान लेते हैं भैया जो ट्रेन की स्पीड है वो एक्स किलोमीटर आवर है, हम लोग स्पीड को जानते हैं कि किलोमीटर आवर में ही उसको निकालना रहता है, जैसे तुमसे अगर पूछे तुम कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे तो मैं लोग अभी मैं 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से चला रहा था, यानी उसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक घंटे में एक आवर में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करूँगा, वही होता है किलोमीटर आवर, ठीक है। अब समझना क्या है, समझना बहुत ही ज़रूरी है, एक फॉर्मूला होता है टाइम स्पीड और डिस्टेंस का, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमको कभी भी स्पीड निकालना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमने जितना भी डिस्टेंस कवर किया हुआ है, जितना भी डिस्टेंस हमने चलाया है गाड़ी उससे डिवाइड दे देते हैं टाइम को, तो हमारा स्पीड निकल जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाया और आपने टाइम जो है वो 2 घंटे लगाया, तो 100 को आप क्या करो 2 से डिवाइड दे दो तो निकल कर के आएगा 50, यानी कि जो आपकी स्पीड थी वो 50 किलोमीटर घंटे की थी, इट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड थी। तो ये एक फॉर्मूला है बेसिक सा, इस फॉर्मूला का ही यूज़ करना है पूरे क्वेश्चन में, इस वाले पूरे क्वेश्चन में। अब इसी फॉर्मूला से आप बोलोगे सर ये तो स्पीड का फॉर्मूला है, अगर हमको डिस्टेंस निकालना रहे तब क्या करें, अगर अपन को टाइम निकालना रहे तब क्या करेंगे, तो इसी फॉर्मूला से तीनों फॉर्मूला बनता है, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अगर मान लो मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं टाइम को क्या करूँगा इधर ले आऊँगा, तो मेरा स्पीड का जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा, इक्वल की उस साइड में डिस्टेंस रह जाएगा, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया, यानी डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और उसी तरीके से अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम को इधर ले आओ और स्पीड को इधर ले आओ, तो टाइम जब इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, उधर डिस्टेंस तो पहले से है ही और स्पीड इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तीनों के तीनों फॉर्मूला बन जाते हैं एक ही फॉर्मूला से, बस आपको ये चीज ध्यान रखना, और ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है तो याद हो ही जाएगा आराम से, अगर याद नहीं भी होगा तो एग्जाम में तुम बैठे बैठे बना सकते हो अपने मन से, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया स्पीड निकालने का तरीका, 100 किलोमीटर ले लो, टाइम को 2 घंटा ले लो, स्पीड 50 होगा और वो कैसे निकलेगा, तो 100/2 करके निकल जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाता है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन में, फिर से ध्यान समझते हैं, हमने स्पीड को तो एक्स किलोमीटर मान लिया है लेकिन हमको यहाँ पर टाइम वेब नहीं पता, डिस्टेंस पता है कि डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर, हमसे कोई क्वेश्चन में बोला ही था कि जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं चलो डिस्टेंस भी लिख ही देता हूँ कि जो भैया हमको डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, ओके। अब हम लोग आते हैं टाइम में कि सर जी अगर हमको टाइम निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। देखो टाइम के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि अगर मुझे टाइम निकालना हो तो उसके लिए मैं डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड करूंगा। आप बोलोगे सर हम लोग टाइम क्यों निकाल रहे हैं उसकी, तो हमको क्वेश्चन में तो नहीं बोला है। भैया देखो क्वेश्चन में भले ना बोला हो लेकिन इस टाइम को जब तक नहीं निकालोगे ना तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी आगे समझ में आएगा, पहले तुम टाइम भी निकाल लो। टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जो हमारा टाइम निकल करके आएगा डिस्टेंस है 480 और डिवाइड बाई में जो हमारा स्पीड है वो है x, तो ये निकल जाएगा टाइम। और टाइम किस चीज़ में निकलता है, वो हमेशा आवर में निकलता है, घंटे में निकलता है।
तो ये हो गया हमारा बेसिक यहाँ पर, जो शुरू में जो पहला हिंट दिया था ना उससे हमने ये क्वेश्चन बनाया है। अब आ जाओ अगेन करके दोबारा, अब हमको क्या क्या चीज़ें बोला गया क्वेश्चन में उसको समझते हैं। हमसे दोबारा बोल रहा है कि स्पीड को क्या करो आप लोग 8 किलोमीटर आवर कम कर दो, जो भी पहले स्पीड था एक्स किलोमीटर, तो यहाँ पर जो हमारा स्पीड होगा अब कम हो जाएगा। पहले x था तो x में से माइनस कर दो 8, तो x माइनस 8 किलोमीटर हमारी स्पीड बन गई। ठीक है, हमारा जो टाइम है वो हमारे पास पहले 480 डिवाइड बाई x लग रहा था, तो अब जो टाइम है वो हमसे बोला जा रहा है, देखो डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा, डिस्टेंस में तो कोई फर्क होगा नहीं, 480 पहले भी चल रहा था अभी भी चलेगा, लेकिन टाइम अब क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है क्योंकि हमने स्पीड को कम कर दिया है। तो टाइम कितना हो जा रहा है, जितना भी अभी है 480 डिवाइड बाई x, उसमें प्लस में 3 हो जा रहा है, यानी कि 3 घंटे और लग जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से टाइम। अब लोगों सर इक्वेशन कैसे बनाए, तो बहुत ही आसान है बबुआ, तुम लोग देखो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिखा था s मल्टीप्लाई टी, और ये कहाँ से लिखा था, यहीं से बनाया था। तो देखो हमारे पास स्पीड भी है ये रहा, टाइम भी है ये रहा, इक्वल टू d बना दो आपका इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, यहाँ पर x माइनस 8 हमारा स्पीड हो गया, या फिर इसको एक बार मैं लिख देता हूँ कि हमको पता है वी नो दैट, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने लिखा है ये सब तुम एग्जाम थोड़ी लिखोगे ऐसे, वो तो मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा है, तुम लोग एग्जाम में ऐसे लिखोगे। हमको ये पता है गुरुदेव कि जो स्पीड होता है अगर उसका मल्टीप्लाई हम टाइम से कर दें तो हमारा क्या निकल करके आता है, हमारा डिस्टेंस निकल करके आता है। तो यहाँ पर बस वही काम करना है, स्पीड हमारे पास है एक्स माइनस में 8, उसका मल्टीप्लाई कर देना है अपने को टाइम से, यानी कि 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 3 से, और फिर ये जो है हमारे पास इक्वल के उस साइड में जो डिस्टेंस है यानी कि 400 जो 80 किलोमीटर है ये निकल करके आएगा। तो ये हमारे यहाँ पर से बेसिक बन गया, जो कह सकते हो बेसिक इक्वेशन का एक फॉर्म बन गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में ले आएंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखो बहुत आसान है, x का 480 डिवाइड बाई x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 480x डिवाइड बाई x, यानी x का ऊपर में हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया, x 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 3x आ जाएगा, माइनस 8 का 480 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस की साइन लग जाएगी, 8 का 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे 0, 88 64 का 4, हासिल आया 6, 8 चौके 32 और 6 हो जाएगा हमारे पास कितना 38, तो ये हो जाएगा 3840 डिवाइड बाई में जो x है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में हमारे पास फिर से प्लस माइनस माइनस की साइन लग जाएगी और 8 3 हमारा 24 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इस x के इन दोनों से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस 8 के इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू साइड में जो 480 है उसको एज इट इज उतार देते हैं। पहले तो देखो यहाँ नीचे में x है ऊपर में x है, डायरेक्ट कट कर दो, मैं डायरेक्ट भी कट कर सकता था लेकिन कर देता तो कन्फ्यूज जाते, पहले बोलता कि देखो इससे ये कट हो जा रहा है, फिर बोलता कि चलो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नीचे में x लिख देता, तो बहुत कन्फ्यूज जाते बच्चे लोग, इसीलिए मैंने कट नहीं किया वहाँ पर। ठीक है, अभी हमारे पास 480 हो गया है, ये 24 है, एक काम करो x को एक ही साथ रखो, नंबर को एक तरफ ले जाओ ताकि ये सॉल्व हो जाए, थोड़ा सा इजी लगेगा आपको वैसे में, अगर आप यहीं पे सॉल्व करोगे तो खिचड़ी बन जाएगा, डिनोमिनेटर में सबका एलसीएम x लोगे फिर ट्रांसफर करोगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अगर कभी भी इस टाइप से फंसे फ्रैक्शन वगैरह ना, तो सबसे आसान है जो नंबर से उनको फेंक दो दूसरी तरफ, इधर हमारे पास केवल 3x माइनस में 3840 डिवाइड बाई एक्स, देखो ये तो इसके साथ रहेगा ही, ये नंबर को नहीं फेंक सकते तुम, बाकी ये वाला और ये वाले को फेंक सकते हो। इक्वल को साइड में हमारे पास 480 है, ये 480 इधर पॉजिटिव वाला है, उधर जाकर के माइनस का 480 हो जाएगा, ये माइनस का 24 है, उधर जाकर के प्लस का 24 हो जाएगा। ओके, अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है, साफ सुथरा, इसके ऐसे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हम लोग जानते हैं नीचे में 1 है, अगर एलसीएम लेंगे तो फिर वही होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये x का, तो डायरेक्ट आप लोग 3x² बना दो, माइनस में जो 3840 है उसको एज इट इज रहने दो, डिवाइड बाई में एक्स को रहने दो, इक्वल कुछ साइड में हमारे पास देखो प्लस और माइनस जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा हमारा बबुआ 24 और तो कुछ बचेगा नहीं। अब यहाँ से आप x को भी ट्रांसफर कर दो 24 के पास, तो यहाँ डिवाइड में है उधर 24 पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3x² माइनस में 3840 और इक्वल के साइड में 24x बन जाएगा। अब इस 24 को भी इधर ले आओ, तो ये बन गया आपका 3x² माइनस में 24 जो है इधर आकर के माइनस का 24x हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में था, और फिर ये माइनस का 3840 उतार दो, इक्वल के साइड में 0 कर दो। आप इतना भी आंसर लिखोगे एग्जाम में तो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन जब कभी भी अगर हमारा कोई भी इक्वेशन और छोटा हो रहा हो ना तो उसको हम लोग छोटा करके लिखते हैं। बोलोगे सर ये छोटा कैसे हो रहा है, उसका क्या तरीका वो भी बता दीजिए। तो देखो हमारे पास तीनों में से इन तीनों नंबर में, देखो ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, और यहाँ पर अगर तुम सभी को ऐड करोगे तो 8 और 4 हमारा 12 और 3 15, यानी ये भी 3 के टेबल में आता है। इट मींस तीनों में से 3 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं कॉमन लेकर के बाहर निकाल दूँ अगर 3 को, तो ये मेरा x² हो जाएगा, फिर 3 8 24 होता है तो ये माइनस 8x हो गया, और यहाँ पर माइनस में 3 1 3 3 2 6 2 आगे गया तो 3 8 24 और ये 0 उतर जाएगा।
इक्वल क्वेश्चन में जीरो। अब बोलो सर ये कहाँ से आया, तो मैंने इसका सिंपली यहाँ पर डिवाइड देते गया था मैं दिमाग में ही कि थ्री का टेबल वन टाइम पढ़ता हूँ तो थ्री आता है, फिर हम लोग यहाँ पर से सिक्स यूज़ करेंगे तो थ्री टू जो सिक्स हो जाएगा, फिर वो टू आगे जाकर 24 बना देगा क्योंकि हमारे पास एट में से सिक्स यूज़ किया हमने, टू तो बच गया तो वो 24 बनाएगा तो थ्री जो 24 होता है। बाकी आप लोग नॉर्मली डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, जब तुम नॉर्मल भी डिवाइड करोगे या फिर तुम इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ ही जाएगा। ओके, तो तुमको जैसा मैथ ईजी लगता है वैसे कर सकते हो। अब अगर मैं इस थ्री को जीरो के पास भेज दूँ, यहाँ तो मल्टीप्लाई में है, जीरो के पास जाकर के जीरो डिवाइड बाई थ्री बन जाएगा बेचारा, और जब जीरो डिवाइड बाई थ्री कोई भी नंबर होता है या फिर जीरो से कोई भी नंबर जब नीचे आ जाता है तो उसका वैल्यू तो जीरो ही आ जाता है। इसीलिए इस थ्री का तो खेल खत्म हो गया, इसे खेले खत्म हो गया, बचा क्या एक्स का स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 एंड इक्वल टू साइड में जीरो इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी ये भी आंसर गलत नहीं था, ये भी सही ही था, बट ये जो होगा ये फाइनल आंसर कहलाएगा। ओके बच्चा लोग, तो यहाँ पर हमारा ई एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ गई होंगी। कोनो भी गड़बड़ होगा बबुआ तो तुरंत हमको टेलीग्राम पे बताना, मैसेज करना, टैग करना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ, टेलीग्राम पे लेकिन मैं एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। ये सारे के सारे नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम पे फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वंस अगेन।